So today is our lecture 6. Our lecture topic is gametogenesis in plants and animals. How gametes formed in plants and animals. So, because gametes leads to the reproduction. So, first of all, we discuss what is the reproduction. Basically, a reproduction, every species need to reproduce in order to survive. When a species or the human or a plant wants to survive in an environment, they need reproduction. Not all individuals of that species may reproduce. Remember, evolution said that only the fittest survive to pass on those fit genes. It means not all individuals, not every individuals reproduced every time. There is the limit, because the life is the survival of the fittest. Reproduction or the evolution is the survival of the fittest. जो भी इंडिविजुअल, जो भी स्पीशी फिटेस्ट होगी, अच्छी कंडीशन में होगी, वो ही सर्वाइव कर सकेगी. जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, हार्श इन्वायरमेंट आएगा. जैसे आप इंसान की अगर बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम ओल्ड एज होते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे सर्वाइवल के चांसेस कम होते जाते हैं. सो बेसिकली एवोल्यूशन भी यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर सकेगा. लाइक अगर बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो कोई इंसान ऐसा है जो गर्मी बियर नहीं कर सकता, तो वो उसकी डेथ हो जाती है. लाइक हमने ओल्ड एज में देखा है कि जब हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाते हैं, तो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते. हम कहते हैं कि वो गर्मी मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, उस वजह से उनको जी हार्ट अटैक हो गया, या फिर और पानी की कमी है जी, या एक्सेट्रा डिफरेंट थिंग्स हो सकती है इसमें. तो इट्स मीन के जो इंसान या जो ह्यूमन, जो स्पीशीज फिट होगी, वो ही सर्वाइव कर सकेगी. अगर वो सर्वाइव करेगी तो वो रिप्रोड्यूस करेगी. रिप्रोड्यूस मीन के वो उसमें रिप्रोडक्शन होगी, लाइक वो सर्वाइव कर सकेगी. वो गैमीट्स पैदा करके उसके अंदर एक नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसीजर होगा, गैमीट्स बनेंगे. गैमीट्स के बाद वो क्रॉसिंग ओवर करेगा, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू वो उसमें फिर उनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होगा. मेल एंड फीमेल गैमीट्स आपस में मिलेंगे और इस तरह उनकी प्रोजनी जो है वो आगे चलती रहेगी. लेकिन अगर एक इंसान फिटेस्ट ही ना हो, फिट ही ना हो, उसमें कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो, तो वो फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा. लाइक द सेक्स सेल्स ऑब्टेन आफ्टर द मियोसिस विल बिकम द रिप्रोडक्टिव सेल आफ्टर सर्टन मॉडिफिकेशंस. मियोसिस के बाद जो सेक्स सेल्स बनते हैं, मियोसिस के बाद जो सेल बनते हैं, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होती हैं जो उसको गैमेट्स बनाती हैं, जिसमें एग या स्पर्म्स या मेगास्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स, इनके सब प्लांट्स बनते हैं. तो उन मॉडिफिकेशंस के बाद ही वो इस लाइक होता है, वो इस के वो क्रॉस कर सके. लाइक इन एनिमल्स,
तो इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में क्या होता है कि जैसे ही सेल्स मियोसिस के बाद डेवलप होते हैं वो डायरेक्टली ही गैमेट्स में बन जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में उसको एक गैमेटोफिटिक की फेज से गुजरना पड़ता है। एनिमल्स में लाइक माइटोटिक डिविजन्स के बाद हमें स्पर्म या एग डायरेक्टली मिल जाता है, जबकि प्लांट्स में क्या होता है कि माइटोटिक डिविजन्स हुई, माइटोटिक डिविजन के बाद स्पोरोफिटिक डिवीजन के बाद उनके स्पोर्स के बनने के बाद स्पोर्स को एक और गैमेटोफिटिक स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसके दौरान वो जो स्पोर्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू द गैमेट्स व्हिच इज द माइक्रोगैमेट्स और द मेगागैमेट्स। माइक्रोगैमेट्स इज द मेल गैमेट व्हाइल मेगागैमेट्स इज द फीमेल गैमेट्स। द प्राइमरी म्यूसाइट्स आर प्रेजेंट विच इज द सेल्स इन विच म्यूसिस इनिशिएटेड और एज नोन एज द प्राइमरी म्यूसाइट्स। जिन म्यूसाइट्स में म्यूसिस स्टार्ट हो चुकी होती है उनको हम प्राइमरी म्यूसाइट्स कहते हैं, वाइल जो इनका रिजल्ट आता है डिवीजन वन के थ्रू उनको हम सेकेंडरी म्यूसाइट्स कहते हैं। So what is gametogenesis? Basically, gametogenesis is the process by which gametes are produced by meiotic division of diploid gametocytes into the various gametes. एक ऐसा procedure जिसके through gametes produced होते हैं mitotic division से, उनको हम gametogenesis कहते हैं। First phase in sexual reproduction of animals. Sexual reproduction animals के लिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट फेज गैमेट्स का बनना होगा, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स में अब गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन विच द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द मेल गोनेड्स और द टेस्टेड्स अकर्स। यू सेड दैट स्पर्मेटोजेनेसिस इज द बेसिकली process development of the sperms, while oogenesis is the process of development of the eggs. While in case of plants, there are the primary meiocytes produce spores, it is called sporocyte, which is the microsporocytes and the megasporocytes. Microsporocyte is the formation of male spores, while megasporocytes is the female spores. Gametogenesis in animals. First one is the spermatogenesis. When the sperms in male reproductive organ with the meiosis produced, like as you all know, the meiosis cell division at the two phases, mitosis and meiosis. Mitosis is only in autosomes, while meiosis is in the sex cells. So when the sperm is produced with meiotic division, a cell of spermatogonium enlarged in size. Spermatogonium is basically the part of the spermatogonium is basically a cell. Spermatogonium is a cell which is produced in the testes. These are enlarged in size and meiosis is initiated, which is known as the primary spermatocytes. Basically, when the spermatogonium enlarged in size, spermatogonium increase होता है size में, तो वो primary spermatocytes बनाता है. Then उस primary spermatocytes से क्या होगा? Secondary spermatocytes बनेंगे. जब उसमें meiosis शुरू होगी, meiosis one होगी, तो secondary spermatocytes बन जाएंगे. Then क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या होगा कि
मेयोसिस टू होगी और उससे फोर स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। वो जो स्पर्मेटिड्स होंगे वो इमोटाइल होंगे, मूव नहीं कर सकते होंगे, और उनके मूव ना कर जाने की वजह से उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होगी जो उसको मोटाइल स्पर्म्स की तरफ लेकर जाएगी, जो फिर स्पर्म्स मूव कर सकते होंगे। अब सबसे पहले क्या है कि स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम एक सेल है जो अपने साइज को इंक्रीज करता है। साइज के इंक्रीज होने की वजह से उसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप हो गया। उस बाद उसमें मियोसिस शुरू हो जाए, जब मियोसिस वन पूरी हो जाती है तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं जो कि दो होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो फर्दर डिवाइड होता है फोर स्पर्मेटिड्स में आफ्टर मियोसिस टू। अब वो जो स्पर्मेटिड्स होते हैं बेसिकली वो इमोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते होते। जब ये स्पर्मेटिड्स मूव नहीं कर सकते होते तो ये हमारे काम के नहीं होते, देन इनमें डेवलपमेंट होती है तो ये चेंज करते हैं अपनी शेप को और डिवेलप करते हैं टेल्स अपने अंदर। टेल्स बेसिकली क्या करती है, इनको मूवमेंट में हेल्पफुल होती है, विच इज नोन एज द स्पर्म। लाइक हियर फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ जर्म सेल्स विच इज स्पर्मेटोगोनियम इज द जर्म सेल्स। इन दिस स्पर्मेटोगोनियम दीज आर द स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीज इन साइज एंड डिवेलप इन टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स टू एंड हियर द मियोसिस स्टार्ट। आफ्टर मियोसिस वन कंप्लीशन दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवेलप इन टू द टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विच आर द एन इन नंबर, यानी हाफ क्रोमोजोम्स नंबर, बिकॉज मियोसिस वन अकर क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड। देन इफ दिस टू ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवेलप इन टू द टू स्पर्मेटिड्स, सो देर आर द टोटल फोर स्पर्मेटिड्स विच आर द एन और द हैप्लॉइड इन क्रोमोसोम्स नंबर। दीज स्पर्मेटोड्स आर डिवेलप देर टेल विच आर हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ द एनिमल स्पर्म्स एंड लीड्स टू द फोर स्पर्म्स, यानी ईच वन स्पर्मेटोगोनियम लीड्स टू द फोर स्पर्म्स। सो देर आर द थाउजेंड्स ऑफ स्पर्मेटोगोनियम आर प्रेजेंट इन साइड द टेस्टिस विच डिवेलप इन टू द नंबर ऑफ द स्पर्म्स। Here the phase is like here the spermatogonium are multiplied with the help of mitosis for the more number of sperms. Then this is the growth phase in which these spermatogonium are increased in their size. Then maturation phase in which the spermatogonium leads to the maturation of the sperm. Then oogenesis. What is oogenesis? Female gamete or the egg is large in size than the sperm due to the cytoplasm which provide food for the developing embryo. Here is the difference between the size of the female gamete and the male gamete, like egg or the sperm.
why this difference occur? Because the egg contain the cytoplasm or the food material. Egg contain the food material while the sperm contain nothing except the nucleus or the nuclear material. While egg contain nuclear material and cytoplasm, while sperm contain only the nuclear material. So far the sperm is very short is as compared to the egg. So oogenesis is mechanism of the oogenesis is same like the spermatogenesis. Like as spermatogenesis is first primary meiocyte, primary spermatocytes produce, then secondary spermatocytes produce, and then spermatids produce, which are developed into the sperms. There is the one difference between the oogenesis and the spermatogenesis is the cell size difference. The cell size of oogenesis is different from the cell size of the sperms due to the presence of the cytoplasm. Oogonium is a cell which before meiosis increase in size known as the primary oocyte. As we said that in the spermatogenesis, the in case of spermatogenesis, the spermatogonium is the kind of germ cells. While in case of oogenesis, the oogonium is the kind of the ovule egg cell or the ovule cell. Then meiosis one is occurred which produce the one large size as secondary oocytes and one small size polar body. Here the result after the meiosis one occur in primary oocyte. Two kind of cells are produced. The one is secondary oocyte while the other is the polar body. Secondary oocyte is larger in size than the polar body cell. Polar body cell is the abnormal cell which we do not take part in the further gamete production or the egg production. The difference between the secondary oocyte and the polar body is only the cytoplasm. Here in the case of secondary oocyte, cytoplasm is present while in the polar body no cytoplasm present. This secondary oocyte is further divided with the help of meiosis 2 into again unequal sizes of cell. One is large and the other is the small. The large one is the contain the cytoplasm and nucleus while the smaller one is again a polar body. Larger one is known as the egg. The end product of the meiosis 2 is the 4 cell. One is the egg cell while other 3 are the polar body which are not functional. Like here we explain that in case of oogonium, oogonia is developed. This oogonia increase in size and produce the primary oocytes where the meiosis 1 occurred. And secondary oocytes and the first polar body is produced. Then this secondary oocyte and polar body again divided with help of meiosis 2 and produce the ovum or the egg and the 3 polar bodies. Here the mitosis is occurred which are increased in which increase this oogonium cells for the production of many eggs. Then then oogonium develop into oogonia which produce the 2 cell. One is the secondary oocyte and the other is the polar body. Then the meiosis 2 develop, one is the egg and other is the polar body, and here this polar body also develop the 2 polar bodies with the help of meiosis 2. Then there is the 1, 2, and 3 polar bodies with the 1 egg cells. But when we talk about the gametogenesis in the plants, the process of the gamete formation in plants is known as the alternation of generation, i.e. gametophyting follow the sporophyting.
What is alternation of generation? In which the plants change their generation from gametophytic stage to the sporophytic stage and sporophytic stage to the gametophytic stage. This is known as the alteration of the generation. In which plants change their generation from gametophytic to sporophytic or the sporophytic to the gametophytic stage. Basically, the sporophytic stage form the spores through the reduction division. These sporophytics or these spores are not developed to the gamete directly or not act as the gamete, while this spores pass through the gametophytic stage or the gametophyte stage, which develop these spores into the gametes. So this stage is known as the gametophytic stage, in which the spores are produced into the gametes. So gametogenesis. First one is the microsporogenesis. What is microsporogenesis? The development of the male spores is known as the during another development. So what is microsporogenesis? Basically, the development of the male spores is known as the microsporogenesis. As you all know, anther is basically the male part of the plant. During the anther development process, there is the primary microsporocyte is produced, undergo the meiosis 1, which give rise to the two secondary microsporocytes. These secondary microsporocytes then undergo meiosis 2 and give rise to the tetrad microspores or the four microspores. This procedure is very simple. The only meiosis is occurred which undergoes to rise to the tetrad microspores. After microspores, this microspores then change into the another generation, which is the gametogenesis generation, in which the gametes are produced. So gametes, after the pollen formation completion, the pollen germinate on the stigma. This gametogenesis is occurred on the in the stigma process. Then pollen formation or the spores is produced. These spores shed on the stigma of the female part. Then is start development. In this case, the nucleus of the pollen is divided into the two nuclei with the mitosis. Here the mitosis occurred. Mitosis develop this pollen into the two nuclei. The one nuclei is round in shape and known as the tube nucleus, which is responsible for the pollen tube growth. Because when the plant nucleus is when the spores is shed on the stigma, it start developing. Spores develop first of all a tube. These tubes are reached to the ovule or the ovum or the ovary of the female part, attach this to the ovary chalazal end, and then the nucleus inside the tube, there is another nucleus is present which moves inside the tube and reach to the egg cell. So when sperm or when spores start developing, and mitosis occur and divide the nucleus of the spore into two equal parts. The one part is known as the tube nucleus and other is the generative nucleus. The tube nucleus is round in shape and this nucleus is responsible for the development of this pollen tube. When this pollen tube occur or the develop, then the other generative nucleus further divided with the help of mitosis into the two parts, which is known as the male gametes. So inside the tube there is a two male gametes is present, which are the product of the generative nucleus.
Here, this picture you have closely observed that the this is the microsporocytes in which the meiosis one occur and which give rise to the two primary microsporocytes. After meiosis two, this develop into scandery spermatocyte microsporocytes. This is ultimately leads to the four tetrads or the four microspores. This is microsporogenesis, but when this one microspore is shed into the this is the released microspore nucleus. This is the nucleus of microspores. This is divided into the two cells. One is the vacuole and the other is the nucleus. The pollen mitosis one, here mitosis one occurred, which develop into the there are two vegetative nucleus and the generative nucleus. This is vegetative nucleus, this is generative nucleus. Then the generative cell is divided into the further two nucleus. Here clearly observe this is the start of generative division of generative nucleus, and here you clearly observe the pollen. So here are total three pollen cell nuclei present. One, this one is responsible for the this one is large round in shape, while this one is lengthy in shape, longitude in shape, while this one is round in shape. This develop into the tube, while this is this leads to the fertilization with the egg. Here, this is the megasporogenesis. Cell from the ovule of the ovary under mitotic divisions. अब ओव्यूल से जो सेल्स होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है, और उस माइटोसिस इसी तरह मेयोटिक डिवीजन वन और देन मेयोटिक डिवीजन टू लीड्स टू द फोर मेगास्पोर्स विच आर अरेंज्ड इन द लीनियर ऑर्डर. अब जो ओव्यूल या ओवरीज के जो सेल्स हैं उनसे क्या होगा, ओवरी के उन सेल्स को हम बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं, एमएमसी और द मेगास्पोर मदर सेल्स. अब उन मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, रिडक्शनल डिवीजन हुई, तो उनके प्रोडक्ट में फोर मेगास्पोर्स बने जो एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज थे टॉप टू बॉटम. टॉप वन जो था वो लार्जर इन साइज था, वाइल जो स्मॉलर थे तो जो लोअर्स थे वो तीनों स्मॉलर इन साइज थे. अब मेगास्पोर्स की डेवलपमेंट के बाद, एज यू ऑल नो, स्पोर्स की डेवलपमेंट के बाद उसमें गैमेटोजेनेसिस का प्रोसीजर होना होता है. अब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसीजर कैसे होगा कि अब मेगास्पोर जो बड़ा होगा साइज में वो फिर अगेन माइटोसिस की हेल्प से डिवाइड होगा टू पार्ट्स में. अब वो जो टू पार्ट्स होंगे बेसिकली ये काम सारा जो गैमेटोजेनेसिस मेगा गैमेटोजेनेसिस का काम है वो ओवरी के अंदर हो रहा होता है. अब ओवरी जो है वो अब ओवरी के सेंटर में जब ये दो एक वो सेल जो है अबव मेगास्पोर दो में डिवाइड होगा तो एक सेल जो है वो ऊपर को मूव करेगा, एक सेल जो है वो नीचे को मूव करेगा. अब होगा क्या कि वन जो है वो चाइलेजल एंड पे जाएगा. अब ओवरी के दो एंड है, एक चाइलेजल एंड है और दूसरा माइक्रोपाइलर एंड है. सो अब चाइलेजल एंड की तरफ एक जाएगा तो दूसरा जाएगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. अब वहां पे उन्होंने क्या करना है कि माइटोसिस करनी है टू टाइम, ईच एंड पे टू टाइम माइटोसिस होगी. एक सेल जो चाइलेजल एंड पे गया वो एक दफा माइटोसिस करेगा तो वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, वो दोनों न्यूक्लियाई अगेन माइटोसिस करेंगे तो वहां पे टोटल फोर न्यूक्लियाई हो जाएंगे. ईच एंड पे फोर फोर न्यूक्लियाई हो जाएंगे. अब उन फोर फोर न्यूक्लियाई में से दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई जो है वो ओवरी के सेंटर की तरफ मूव करेगा. सेंटर की तरफ मूव करके वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे. ईच एक चाइलेजल एंड से आएगा, एक नीचे माइक्रोपाइलर एंड से आएगा, तो दोनों आपस में सेंटर में फ्यूज होकर 2N एंडोप्लाज्मिक बना देंगे. देन क्या होगा, अब जो चाइलेजल एंड पे तीन बच जाएंगे उनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और जो माइक्रोपाइलर एंड पे बच जाते हैं उनको हम एग सेल कहते हैं. वन एग होता है और जो उसकी सराउंडिंग पे टू होते हैं वो
साइनर्जेट सेल्स होते हैं। अब इस पिक्चर से आपको मजीद क्लियर होगा, ये लेट्स सपोज के ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है जिसमें आपका ये एक मेगास्पोर प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो था इसने मियोसिस वन की और ये बना टू मेगास्पोर्स में, देन मियोसिस टू हुई तो फोर मेगास्पोर्स बन गए। अब इन फोर मेगास्पोर में जो तीन थे वो इंटीग्रेट हो गए क्योंकि वो क्या थी, पोलर बॉडीज थी, वाइल जो एक था वो फंक्शनल मेगास्पोर्स था। अब उस फंक्शनल मेगास्पोर्स ने माइटोसिस की और वो दो में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड होने के बाद वो एक अपने पोल की तरफ चला गया और एक ये ऊपर वाला चाइलेजल एंड है, ये नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड है, ये चाइलेजल एंड की तरफ मूव कर गया और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव कर गया। देन इसने क्या किया कि ये जो इसने फिर यहां पे जाके क्या किया, माइटोसिस की और ये दो में डिवाइड हो गया, यहां पे भी इसने भी माइटोसिस की और ये भी दो में डिवाइड हो गया। अब इधर यहां पे जाके अगेन माइटोसिस हुई, ये जो दो थे ये इस चार में डिवाइड हो गए, वन टू थ्री और फोर। इसी तरह सेम माइक्रोपाइलर एंड पे भी हुआ, दो तीन और फोर। अब क्या हुआ, इधर से भी एक इस तरफ मूव किया और एक ऊपर से मूव करके नीचे आया, ये जो दोनों थे ये आपस में मिले और इन्होंने क्या बनाया, एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये 2n है, इसको हमेशा याद रखना है आपने, क्योंकि ये दो न्यूक्लियाई की फ्यूजन से मिलके बना है और ईच न्यूक्लियाई जो था वो n था, सो n प्लस n बराबर आया 2n के, सो एंडोस्पर्म बन गया। अब ये जो चाइलेजल एंड पे सेल थे ये तीन, इनको हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स, वाइल जो यहां पे आए ये वाला जो है और ये वाला, ये होते हैं साइनर्जेट सेल। साइनर्जेट सेल जबकि ये जो होगा ये हमारा होगा एग सेल, जो हमारा फीमेल गैमेट होगा। सो ये था मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्पोर्स डेवलप हुआ मियोसिस के एक्शन से, मियोसिस वन हुई, देन मियोसिस टू हुई, तीन पोलर बॉडीज बनी और वन हमारा मेगास्पोर्स बना। ए मेगास्पोर्स अगेन गैमेटोजेनेसिस के प्रोसीजर में आया, इसने सबसे पहले माइटोसिस वन की माइटोसिस किया एक दफा, ये दो में डिवाइड हुआ, ये दोनों अपने ओपोजिट पोल्स की तरफ मूव किया, वहां पे इन्होंने अगेन डबल माइटोसिस की और ये चार चार में डिवाइड हुए। इन चारों में से एक एक जो था वो सेंटर में आया, उसने एंडोस्पर्म्स 2n बनाया और अबाव वाले तीन जो थे वो अबाव वाले तीन जो थे वो साइनर्जेट और अबाव वाले जो तीन सेल थे वो एंटीपोडल्स बने और जो लोअर साइड पे दो थे वो क्या बने, साइनर्जेट सेल्स बने। व्हाइल हियर ए वन इज द एग एंड अदर इज द एंडोस्पर्म n। देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड पोलन ट्यूब डिवेस मेगा पोलन ट्यूब जो है वो आके डेवलप होगी स्टिग्मा के ऊपर,
तो वो माइक्रोपाइलर एंड से ओवरी में इंसर्ट करेगी, लाइक ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ये इसका ओवरी पार्ट है जिसको बेसिकली ये अंदर ओव्यूल होता है। अब देखे इसका ये क्या एंड है, चैलेजल एंड है, वाइल ये जो एंड है माइक्रोपाइलर एंड है। अब यहां पे जब पोलर ट्यूब डेवलप होगी वो यहां से डेवलप होके ऐसे आएगी और इस एंड से इसके अंदर इंसर्ट होगी। अब यहां पे टू एन एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, यहां पे एग पड़ा है, यहां पे साइनर्जेट सेल है और यहां पे एंटीपोडल सेल है तीन। अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया इस ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो माइटोसिस से टू, जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। अब जो वन न्यूक्लियाई है वो आएगा, वो इस एंडोस्पर्म से फर्टिलाइज करेगा और इसको वो कर देगा 3N। वाइल जो दूसरा न्यूक्लियस होगा वो इस एग से फर्टिलाइज करेगा और सीड बना देगा या आगे फर्दर जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो बनाएगा। अब इस ये 3N क्यों होता है एंडोस्पर्म, बेसिकली एंडोस्पर्म ही सीड की खुराक है। बेसिकली क्या है, ये एंडोस्पर्म ही सीड की सीड का फूड होता है, फूड स्टोरेज होता है। जब हम कहते हैं ना कि हमने सीड सोइंग की है तो सीड कैसे ग्रो हो जाता है, प्लांट्स ऐसे तो ग्रो नहीं होता, जाहिर बात है तब तो उसमें कोई प्रोसीजर ही नहीं चल रहा होता, उसमें कोई फोटोसिंथेसिस कैसे मतलब फोटोसिंथेसिस, अब देखें ग्रीन पार्ट उसको होता नहीं है, वो जमीन के ऊपर होता नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, मतलब एनर्जी कैसे लेगा, उसमें एटीपी कैसे डाल, तो वो उस वक्त अपने स्टोरेज की हुई जो एंडोस्पर्म की फूड होती है उसको इस्तेमाल करके वो ग्रो होता है, वो थोड़ा सा डेवलप होता है प्लांट्स और उसमें रूट शूट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, देन अगेन वो इस काबिल होता है कि वो अपनी खुराक खुद से डेवलप कर सके, लेकिन तब तक वो इस एंडोस्पर्म की खुराक को यूज कर रहा होता है। सो अब इसमें दो दफा फर्टिलाइजेशन होती है, एक दफा जो न्यूक्लियाई है वो इस एंडोस्पर्म से मिलता है और दूसरे इससे एग से मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। हियर इन दिस एग्जांपल देयर इज द एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट व्हाइल हियर टू सराउंडिंग आर साइनर्जेट सेल एंड वन इज द एग सेल, दिस इज द ट्यूब micro, this tube is inserted through the this micropylar end and here is the two nuclei are present, one nuclei fertilized with this one and the other is this one endosperm, their endosperm form 3N and zygote is here developed which is the 2N, this is known as the double fertilization. That's all for today's which is the gametogenesis in plants and animals. Today we discuss about the microspores and microgametogenesis, megasporogenesis and megagametogenesis, and spermatogenesis and the oogenesis, how the sperms and egg are produced in case of animals, and how the egg, how the spores are produced in plants and how these spores formed into the gametes. That's all for today. Thank you. If you have any question,
then please ask. सर ये जो आपने पूछा है बताया कि जो साइनर्जिक सेल होते हैं वो उसमें जी तो सर वो जो एक न्यूक्लियाई तो फ्यूज हो जाते हैं